say hi to my new pets. They are like couples. And they always stick to each other like this. Wow. Want some potato? I'm going to make some snacks. Want potato? Here I go. Just look at those. Let's make some snacks. They're already free. Let's stay in the water. I'm going to keep them on board. Water is too much. So we are gonna put so much veggies like these beans, peas, coriander, carrot, onion and tomato. At first we are gonna cut them all and clean them all while our potatoes are getting boiled. तो सारे वेजीज धुल चुके हैं, अब हम लोग इसे कट करेंगे प्यार से छोटे छोटे। Thank you.
तो सारी वेजीज हम लोग ने कट कर लिए। मैंने आधा टमाटर और आधा प्याज ही कट किया है, जबकि मैंने लिया था एक प्याज और डेढ़ टमाटर। मैंने थोड़ा कम इस पर से कर दिया क्योंकि बाकी सब वेजीज के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा हो जाता। तो ये हम लोग कितनी वेजीज है, और ये रहे मसाले। तो ये है चाट मसाला एक छोटा चम्मच, मैगी मसाला एक छोटा चम्मच, दो चुटकी हल्दी। ये है लाल मिर्च, ये आप अपने स्पाइस लेवल के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं जितना तीखा आपको चाहिए। ये है कश्मीरी लाल मिर्च, ये तीखी नहीं होती, ये सिर्फ कलर के लिए डाली जाती है जो ऑलरेडी यहाँ पे मैंने रखी हुई है। नमक अपने स्वाद अनुसार और थोड़ा सा ऑरिगेनो टेस्ट के लिए। तो अब आलू उबल जाए उसके बाद हम लोग ये सारे मसाले और सारे वेजीज आलू में डाल देंगे। तो आलू को मैश करेंगे, मतलब जब वो बॉइल हो जाएगा उसका छिलका उतार के फिर हम लोग उसे मैश करेंगे। और मेरे पास एक आपके लिए बहुत आसान टेक्निक है, उसमें आपको आलू को अपने पूरे हाथ आपके गंदे नहीं होंगे और आपके आलू अच्छे से मैश भी हो जाएंगे। तो ये मैंने सारे आलू जो मैंने लिए थे उसको मैंने उबाल के अच्छे से छील लिया है। और जैसे कि मैं आपसे कह रही थी, मैं आपको आसान तरीका बताऊंगी आलू को मैश करने का। तो जैसे आप देख सकते हैं आलू गर्म है अभी भी, क्योंकि अभी अभी ये बॉयल होके आए हैं। तो सबसे पहले आप ये इसको क्या कहते हैं, कद्दूकस ले लीजिए, और जिस बाउल में आपको आलू चाहिए जिसमें आपको उसको मिक्स करना है वो बाउल ले लीजिए और कद्दूकस को इसमें रख लीजिए। मेरा कद्दूकस थोड़ा अलग शेप का है, लेकिन कुछ कद्दूकस आते हैं जो छोटे होते हैं, पतले होते हैं और हैंडल वाले होते हैं, तो आप उसको इसमें ऐसे डायरेक्ट रख सकते हैं, इस तरह से उसको इसमें रख सकते हैं और फिर कद्दूकस कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट उसने पूरा मेरा बोल कवर कर लिया है, तो मेरे लिए ये काफी आसान है। तो सबसे पहला आलू लिया मैंने और अपने हिसाब से इसको कंफर्टेबल करिए, ऐसे इसमें कद्दूकस करिए। आपके आलू बॉईल है इसीलिए बहुत आसानी से कद्दूकस हो जा रहा है, आप देख सकते हैं। और कद्दूकस होने के बाद ये कुछ इस तरह आएंगे इतने अच्छे से, और इसमें आपको कोई लम्स भी नहीं मिलेंगे, मतलब जो ढुके ढुके से रह जाते हैं, छोटे छोटे पीस रह जाते हैं आलू के, वो आपको नहीं मिलेंगे और एकदम अच्छे से कद्दूकस भी हो जाएगा आपका ये उबला आलू, और इसमें आपके हाथ भी नहीं चलेंगे। तो ये है सारा आलू इसको कद्दूकस करने के बाद, मतलब ग्रेट करने के बाद, और आप देख सकते हैं इसमें कोई भी लम्स नहीं होगा, ये एकदम सॉफ्ट है। और अब हम लोग सबसे पहले इसमें जो स्पाइसेस हम लोग ने निकाले थे मसाले उसको डाल देंगे और इसको पहले इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और अगर आपको बैकग्राउंड में कुछ गंदी हंसने की आवाज आए तो उसके लिए हम रियली सॉरी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे घर जानवर रहते हैं। सलवा के कुकिंग में सब होता है, क्योंकि अल्लाह पाक ने सारे डिजास्टर सलवा आसन के नाम है। सारे मसाले बनाने के बाद आप देख सकते हैं ये कितना कलरफुल दिख रहा है, और ये जो हम लोग की वेजीज है हम लोग इसमें मिलाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे, एक साथ ही सारा नहीं डाल देंगे। अब बाकी वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। लास्ट ये क्या सब डालेंगे हम लोग,
अब आप देख सकते हैं इसमें सारे वेजीज और सारे स्पाइसेस मिक्स हो चुके हैं और ये कितना अच्छा दिख रहा है। और अब हम लोग इसका मतलब टिक्की बनाएंगे और इसको तवे पे फ्राई करेंगे। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा राइस फ्लोर ऐड कर सकते हैं अगर ये ज्यादा गीला और ज्यादा चिपचिपा हो गया है। ठीक है, तो हम लोग ने साथ में थोड़ा सा चावल का आटा ले लिया अलग से, जिसमें चाट मसाला और नमक मिला दिया एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए। जब हम लोग ये टिक्की बनाएंगे और मतलब इसकी कोटिंग करके उसको तवे पे डालेंगे तो बहुत अच्छा सा क्रंची सा एकदम वो आएगा, जो भी आता क्रंचीनेस आएगी इसमें और बहुत अच्छा एक्स्ट्रा फ्लेवर हो जाएगा तो और अच्छा लगेगा। और इसमें कोई ज्यादा तेल का यूज नहीं करना है, हल्का हल्का तेल लगा के उसको बस फ्राई करना है। कोई डीप फ्राई का टेंशन नहीं है, ना ज्यादा तेल यूज होगा और ना ज्यादा गैस। गैस भी बचाइए, तेल भी बचाइए और अपनी हेल्थ भी। तो हम लोग पहले तावा गर्म कर रहे हैं, तो मेरी भाभी बनाएंगी आगे कैसे कैसे बनाना है। तो सबसे पहले उन्होंने हाथ पे थोड़ा सा तेल लगा लिया है ताकि ये जो हम लोग का ये मिक्स है, हम लोग का पोटैटो मिक्स, ये हाथ में ना चिपके। तो आप देख सकते हैं, मैं दिखाती हूँ, ये देखें, इससे उनके हाथ पे चिपक नहीं रहा है। और कितने अच्छे से मतलब आप देख सकते हैं कितने अच्छे से वो उनके हाथ में है। मतलब वैसे अगर मैं ऐसे छू रही हूँ ये तो ये मेरे हाथ में चिपक जाए, मतलब हल्का छुआ मैंने तो नहीं पता चल रहा है। अगर मैं इसको ऐसे हाई अमाउंट पे उठाऊंगी तो चिपक जाएगा, लेकिन अब देखिए कितने अच्छे से वो हाथ में चिपक नहीं रहा है क्योंकि आपने हाथ में हल्का सा तेल लगा लिया। ज्यादा तेल नहीं लगाना है, हल्का सा ही तेल लगाना है। और फिर से इसको कवर करके अब तवे पे थोड़ा सा तेल डालें, ज्यादा नहीं, बस इतना हो कि इसमें रख के साइड में अब स्लाइड कर दें उसे। इसे भी मेरी भाभी रखने जा रही है तो इसे रख के अभी थोड़ी देर बाद इसको भी साइड में स्लाइड कर देंगे ताकि वो ज्यादा तेल ना सोखे। अभी इसे साइड में तो करो तो इसी तरह उसको फिर साइड में कर दीजिए। चम्मच की उससे अपना हाथ मत यूज करें ना, हाथ आपका जल जाएगा क्योंकि ऑफ कोर्स तेल है, तवा गर्म है, आपका हाथ जल सकता है, बर्न इंजरीज हो सकती हैं। आप इस तरह से भी कोटिंग कर सकते हैं, इस तरह से और अच्छी कोटिंग होगी। एकदम अच्छे से ये लो फ्लेम पे मतलब धीमे आंच पे हो, आराम आराम से करिए। ये देखिए कितना अच्छा है, अब भी इस पे कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ, ये देखिए कितना अच्छा अभी गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है इस पे। और ये अगला भी हम लोग का हो रहा है और ये देखिए अब तावे पे भी आपके नहीं चिपक रहा है, आप देख सकते हैं। और ज्यादा ऑयल भी नहीं इसमें अब्जॉर्ब किया है, ये देखिए एकदम ये ऑलमोस्ट ड्राई लग रहा है, ज्यादा ऑयल इसने अब्जॉर्ब नहीं किया है। मैं इसको इधर कर लूँ ताकि ये मेरे लिए आसान हो इधर से करना। ये मीठी छोटी मीठी है, उधर करके पलट दिया है और आप यहाँ देख सकते हैं मेरी भाभी बना रही है। अब हम उसे जल्दी जल्दी से ऐसे हल्का हल्का तेल लगा के फ्राई कर लेते हैं। जल्दी जल्दी तो अब आप देख सकते हैं हम लोग की टिक्की एकदम अच्छे से बन के तैयार हो चुकी है और इसमें ज्यादा ऑयल भी नहीं है। ये देखिए मैंने इसे पेपर पे रखा है, इसमें इतना ज्यादा ऑयल भी नहीं है, बहुत हल्का हल्का हम लोग ने तेल लगाया था और ये कितने अच्छे गोल्डन ब्राउन बनके तैयार हुए हैं। तो आई होप कि आप लोग को ये मेरी छोटी सी इवनिंग स्नैक्स की वीडियो पसंद आई हो और इसे अपने आप फेवरेट सॉस के साथ एंजॉय करिए, चाहे केचप हो, चाहे शेजवान हो, एनीथिंग। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलिएगा और अपने और दोस्तों में शेयर करिए और उनके साथ भी शेयर करिए अच्छी सी रेसिपी। और क्या चाहिए, शाम में बनाओ, खाओ, मजे करो।